नमस्ते दोस्तों, आज हम लेके आए हैं गोंद के लड्डू। और सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, कोई भी दर्द हो, पेट से कोई दिक्कत हो, तो इन लड्डू को खाने से वो सारे दर्द जो भी है वो बीमारी से राहत मिलती है। इन लड्डू को 3 महीने लगातार डेली एक लड्डू खाया जाए तो जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाती है। तो चलो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सारे मेवा हैं जो हमने लिए हैं, गोंद है, बेसन है, और खसखस है, गरी है, मखाने हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। और उस लड्डू बनाने के लिए मैंने रख दिया है एक पैन, उसको गैस पे, और उस पर डाल दिए हैं मखाने। मखाने मैंने इसलिए डाले हैं ताकि ये रोस्ट हो जाए अच्छे से, मतलब इनको गरम करना है ना कि इनको मतलब भूजना है, क्योंकि ये मिक्सी ग्राइंडर में सीमे हुए हैं तो पीसेंगे नहीं। तो इनको अच्छे से गरम कर लेंगे, तोड़ के देखेंगे ये पिस जा रहा है तो ये मिक्सी में अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा। तो फ्रेंड अब हम इसको हटा देते हैं और फिर इसको हटा के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक के लिए हम रखेंगे फिर से वही पैन, फिर रखेंगे उस पे डालेंगे घी, और घी 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद फ्रेंड हम इसमें ऐड करेंगे काजू। तो काजू हमने लिए हैं फ्रेंड 100 ग्राम काजू होंगे, तो इनको अच्छे से रोस्ट करना है, हल्का गोल्डन होना है, जलाना नहीं है। वैसे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ ही फ्राई कर देती और भूंज लेती, मतलब बादाम को थोड़ा टाइम लगता है, काजू जल्दी भुज जाता है, इसलिए मैंने अलग अलग करके ही डाला है। तो फ्रेंड ये काजू हमारा सारा गोल्डन हो चुका है, इसको रखेंगे साइड ठंडा होने के लिए। मैंने ये लिए हैं 100 ग्राम बादाम, उनको भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। उसके बाद में उसी काजू वाले प्लेट में इसको भी निकाल लेंगे बाहर। उसको निकालने के बाद में फ्रेंड हमने लिए हैं पिस्ता 100 ग्राम, सब कुछ 100-100 ग्राम करके लिया है। तो फ्रेंड ये हमने 100 ग्राम लिए हैं पिस्ता, इनको अच्छे से पहले मैंने निकाल के धुल लिया था, धुल के सुखा लिया है, क्योंकि फ्रेंड इसमें थोड़ा सा नमकीन होता है और पिस्ता, इसलिए। फ्रेंड ये हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको लेंगे निकाल। उसके बाद में हम डालेंगे, उसी पैन में डालेंगे किशमिश। किशमिश को बिल्कुल धीमी आंच में ही सेकेंगे और ये देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल के रेडी हो चुकी है। बस हम इसी स्टेज पे इसको भी निकाल लेंगे एक कटोरी में, क्योंकि इसको अलग निकालेंगे, क्योंकि काजू बादाम पीसने इसको नहीं पीसना है। और हमने लिया है 100 ग्राम तक गरी। गरी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया, आप चाहें तो कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं, बट पाउडर डालेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और आप चाहें तो खरबूजे के बीजे भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं है। फिर मैंने 3 चम्मच घी डाला है, वो खाने वाला चम्मच है। उसके बाद में हमको भूंज लेना है वो जो हमारा गोंद है, बिल्कुल हल्की मीडियम आंच में ही भूनना है ताकि अच्छे से भुन जाए और फ्राई हो जाए। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा फूल गया है मेरा, छोटे वाले गोंद थे तो इसलिए थोड़ा सा कम फूला, और थोड़े बड़े होते और अच्छे से फूल जाते। तो हमने सारे ऐसे भूंज लेना है गोंद को, तो देख सकते हैं फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब इनको ठंडा होने के लिए निकाल के हम रख देंगे फ्रेंड्स साइड में। अब लेंगे एक बड़ा सा कटोरा, बोले तो बर्तन, एक बड़ा सा लेंगे, और जो मखाने हैं वो हम भूंज पीस लिए हैं, पीसने के बाद में उसी बड़े कटोरे में सारा डालते जाएंगे। तो जो हमारे काजू बादाम थे उनको भी हम अच्छे से भूंज लिए, पीस लिया है मिक्सी ग्राइंडर में, और उनको भी उसी में डाल दिया। अब ये लिया है हमने छुहारे, वो भी 100 ग्राम होंगे। छुहारे को मैंने पीस के मिक्सी से ग्राइंडर में इसमें डाल दिया। ये जो हमारा गोंद था उसको भी हमने मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया है, तो देख सकते हैं वो घी की वजह से चिपक गया है उसी में। तो इसको भी चम्मच की मदद से सारा निकाल के इसी में डाल देंगे फ्रेंड। इसको हम अब जो हमने नारियल का बुरादा, नारियल जो हमने कद्दूकस किया था उसको भी इसी में डाल देंगे, और जो हमारी किशमिश है उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद फ्रेंड इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ फिर से।
तो फ्रेंड अब हम गैस की तरफ गए हुए हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं अब बेसन भूजने के लिए। बेसन को अच्छे से कलहारेंगे, उसके लिए एक चम्मच घी डाला है। एक चम्मच घी डालने के बाद हमने थोड़ा सा बेसन, आधी कटोरी बेसन लिया है, उस बेसन को मैं अच्छे से भूंज लूँगी घी में, अच्छे से ब्राउन होने तक इसको भूंजूँगी, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप भून सकते हैं, देख सकते हैं हल्का गोल्डन हो चुका है हमारा बेसन, भूंज के रेडी हो चुका है। अब अच्छे से चल इसको करके हम इसको भी एक प्लेट इसी में ऐड कर देंगे, इसी में जिसमें ये बड़ा सा कटोरा जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसी में इसको भी ऐड कर रख डाल देंगे। और फिर से ये पेन हम रख देंगे, इसमें डालेंगे 3 चम्मच घी डालेंगे। 3 चम्मच घी डालने के बाद फ्रेंड आप बोलोगे 3 चम्मच घी डालते हैं सी, हाँ धीरे धीरे जो हमारा खसखस है उसको अच्छे से हम इसी में भूंज लेंगे। खसखस भूंजने के बाद अच्छे से खसखस भून जाएगा तो हम इसमें डाला है मसाला जो हमने हल्दी और पाउडर और सौंठ मसाला डाला है उसका वीडियो शूट करना भूल गई थी ऑन करना। फिर हमने गुड़ को छोटा छोटा पीस में करके डाल दिया है इसी में फ्रेंड। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से गुड़ को मेल्ट होने देंगे जब तक ये सारी गुठलियाँ मेल्ट नहीं हो जाती। फ्रेंड देख सकते हैं सारी गुठलियाँ मेल्ट हो चुकी हैं, अब एक तार चाशनी आने तक इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं एक तार चाशनी हमारी आ रही है, बीच में ही टूट जा रही है, तो बस इसी स्टेट पे गैस को कर देंगे बंद। ये हमारा लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट चाशनी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलो चलते हैं बनाने। अब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे चाशनी, एक साथ नहीं ऐड करेंगे कि ज़्यादा ना हो जाए, बट वैसे मैंने तो परफेक्ट बनाया है, जितना हमारा ये जो मसाले हैं सारे उतना ही मैंने बनाया है। तो देख सकते हैं अभी सूखा लग रहा है, तो थोड़ा सा जो हमारा चाशनी बची है वो भी इसी में ऐड करके मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। फ्रेंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये हल्का गुनगुना होने पर ही इसके लड्डू बनते हैं, वरना ये नहीं बनेंगे, फिर हमको घी लगाना पड़ेगा या कुछ भी। तो इसलिए फ्रेंड हम इसको हल्का गुनगुने में ही इसके लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड ये हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है, हल्का सा गर्म भी है अभी। तो फ्रेंड हमने ले लिया है एक प्लेट, और फ्रेंड एक बात बताऊँ, ये गांव में माछी बहुत लगती, कितनी भी सफाई करो बट बरसात के टाइम माछी बहुत आती हैं। और दूसरी बात है मेरे यहाँ फील्ड में बहुत सारे पेड़ हैं, इस वजह से और आती हैं, बहुत परेशान करती हैं, कोई वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर करूँ तो क्या करूँ, करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये हमने लड्डू देखो ले लिया है, इसे थोड़ा सा वाइट लेंगे, उसके बाद में इसको अच्छे से गोल बना के ज़्यादा दबाएंगे नहीं, ऐसे नॉर्मल करेंगे। और देख सकते हैं हमारा लड्डू बन के रेडी हो चुका है। इसके सारे लड्डू बारी बारी से एक एक करके सारे लड्डू हम बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड हम लाइव आते हैं दोपहर में 2 बजे, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िएगा, अपने दिल की बातें शेयर करिएगा और अच्छी प्यारी प्यारी हम लोग बातें करते हैं। 2 घंटे लाइव रहते हैं, आप लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपनी दिल की बात हमसे कर सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा आप लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ेंगे तो। तो फ्रेंड देख सकते हैं लड्डू बनाना कितना आसान है। और एक बात और है, कैल्शियम से भी भरपूर है, आयरन से भी भरपूर है लड्डू। और ये देख सकते हैं कितना है, कि खून की कमी हो कुछ भी हो, ये लड्डू खाने से बिल्कुल सही हो जाता है, खून की कमी भी पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड हमारा ये लड्डू बनके रेडी हो चुका है, तो देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है आपको देखने में। तो आई होप हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारा वीडियो हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, आप लोग अपना ख्याल रखना, और फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।